मैडम हमें अपना नाम बताइए और कौन सा डिपार्टमेंट है और एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम तस्लीमा सुबान है, मैं आंगनवाड़ी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ कश्मीर प्रोविंस से। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ क्योंकि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। 40 साल से हमारी माएँ हमारी बहनें जो 40 साल से काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को उन्होंने अपनी जान दी है, आज उनको कह रहे हैं कि आप खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओ। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है और गवर्नमेंट हमें कह रही है कि आपको रिटायर किया जाएगा। हम कहते हैं कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको खाली हाथ करते हैं रिटायरमेंट, या कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिनके पास सर्विस बुक नहीं तो वो रिटायर हो जाते हैं? ये कौन सा कानून है? हमने भी कानून पढ़ा है। हम चाहते हैं जिस तरह बाकी डिपार्टमेंटों में सर्विस बुक बना हुआ है, बनाया गया है या बनाया जाता है, उसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर का भी होना चाहिए। अगर फिर जिसकी उम्र हो जाए, चाहे 65 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, अगर उस टाइम वो कहेंगे कि आप रिटायर हो रहे, हम मानने के लिए तैयार है। मगर तब जब वो रिटायरमेंट बात आए तो मेरी बहन को, मेरी माँ को जो 40 साल से काम कर रही है, हम चाहते हैं कि 3 लाख रुपए हेल्पर को दिया जाए, 7 लाख रुपए वर्कर को दिया जाए, तभी वो रिटायर हो जाएगी और बाजाबता मंथली उनको रिटायरमेंट होना चाहिए। मैडम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आप पिछले बहुत सारे महीनों से एहतजाज करते कर जा रहे हैं लेकिन अभी तक आपकी जो है आवाज़ आला हुकाम तक नहीं पहुंची, तो क्या करेंगे? अगर हमारी ये आवाज़ अभी इस वक्त नहीं सुनी गई है तो हम सैलाब लाएंगे, सारा जम्मू कश्मीर इसी परता पार्क में, इसी प्रेस कॉलोनी में फिर से हाजिर हो जाएगा। हम उस वक्त चाहे कोई भी हालत हो, चाहे कोई भीड़ हो, चाहे कुछ भी हो, हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम बैठेंगे भूखे प्यासे अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर। आप अपना नाम बताएं और बताएं क्यों प्रोटेस्ट? मेरा नाम राजा बानो है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। प्रोटेस्ट इस बात पर है कि हमारी जो सैलरी है वो पेंडिंग है, 2018 से हमारी सैलरी पेंडिंग है। इसमें थोड़ा रिलीज हुआ लेकिन लगभग हमारा 1.5 लाख अभी पेंडिंग है सर, लेकिन हमारी कोई पे नहीं देता है। हम रोते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं, भूखे मरते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। जो कुछ काम होता है ना, वो इलेक्शन होता है, BLO होता है, पल्स पोलियो होता है, सर्वे होता है, वो भी हमारे से ही लेते हैं। जो भी कोई होता है ना सर्विस वो हमसे लेते हैं लेकिन पे नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन भेजते हैं, उसमें वो कमीशन निकालते हैं, वो ठेकेदार उसको रखते हैं। हमें नहीं चाहिए कोई न्यूट्रिशन, हमें पहले सैलरी चाहिए फिर हम करेंगे। जो भी वैक्सीनेशन आज है हमसे लेते हैं लेकिन पे नहीं मिलता है। हम अब मर गए, हम अभी याद भी नहीं कितना पे हमारा पेन किया, लेकिन मैंने डायरी मेंटेन की है। मैं जब हमारा पे रिलीज़ होता है मैं लिखती हूँ कैलेंडर पर इतना रिलीज़ हुआ, लेकिन हमारा बहुत पेंडिंग है। हम गरीब हैं, एक जो औरतों का डिपार्टमेंट है, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं तो किसके साथ इंसाफ होगा? एक औरत जो रोती है बेचारी, इसको कुछ नहीं मिलता है, इतनी मेहनत करती है, जब आप हमारे साथ नहीं करें औरतों के साथ तो किसके साथ करें? हम गवर्नर साहब से, जो भी है मोदी साहब से, उसे हम इल्तिजा करते हैं। हमारी जो मांगे, हम भिखारी नहीं, हम मजदूर है, हमारी बहुत मतलब ज़रूरियात है। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हम घर पर भूखे मरते हैं, हम भीख मांगते हैं। मेरे कुछ सोना का वो भी मैंने भेजा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सोना अपना भेजा। बस अब यही बोलते हैं कि हमारे पे रिलीज़ कीजिए और जो कुछ हम करते हैं, मतलब हमें न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, हमारे पे चाहिए। और ये बोलते हैं रिटायरमेंट हमें मंजूर नहीं है, कोई भी रिटायरमेंट हमें मंजूर नहीं है, हमें रहना हमेशा बाकी बस। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।